लिक्विडिटी पूल्स उनका ही फाउंडेशनल टेक्नोलॉजीज में से एक है जिससे हमारा करंट डीफाई इकोसिस्टम बना है। लिक्विडिटी पूल्स बहुत ही सिंपल है, लेकिन इनकी सिंप्लिसिटी पर मत जाना, ये एक्सट्रीमली पावरफुल है। फिनफार्म में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि लिक्विडिटी पूल्स हैं क्या, वो काम कैसे करते हैं, और साथ ही साथ हम लिक्विडिटी पूल्स की कुछ यूज केसेस भी डिस्कस करेंगे। लिक्विडिटी पूल्स को समझने से पहले ये जान लेते हैं कि लिक्विडिटी क्या है। चाहे हम बिजनेस, इकोनॉमिक्स, इन्वेस्टमेंट्स, मनी मार्केट्स किसी की भी बात करें, लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। कितनी जल्दी मैं अपने एसेट्स परचेज कर सकता हूँ या सेल कर सकता हूँ, वो भी बिना किसी ड्रास्टिक प्राइस फ्लक्चुएशन के। अगर और सिंपली पुट किया जाए तो लिक्विडिटी एबिलिटी है अपने एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करने के लिए, वो भी बहुत ईजिली और बिना पैसे गवाए। बहुत से लोग शायद यही समझ रहे होंगे कि मैं यहां स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट की बात कर रहा हूं। नहीं, लिक्विडिटी समथिंग जो हर जगह यूजफुल है। चाहे आप बैंक्स की बात करो, आप बिजनेसेस की बात करो, आप रियल एस्टेट्स की बात करो, आप स्टॉक मार्केट्स की बात करो, क्रिप्टो मार्केट्स की बात करो, हर जगह लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझ आ ही गया होगा कि लिक्विडिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। बिटकॉइन के शुरुआती दिनों से ही सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में बहुत ही ज्यादा लिक्विडिटी है। आप इजीली कोई भी बड़े से बड़ा बाय एंड सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, वो भी बिना किसी मेजर प्राइस फ्लक्चुएशन के। डीफाई में लिक्विडिटी सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन के मुकाबले बहुत कम है। आपको पता ही है डीफाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर चलता है, तो डीफाई में लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए लिक्विडिटी पूल्स को बनाया गया। लिक्विडिटी पूल्स क्रिप्टो टोकन के पूल्स हैं जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में लॉक्ड होते हैं। यही लिक्विडिटी पूल्स डीफाई में ट्रेडिंग, लेंडिंग एंड बोरोइंग, यील्ड फार्मिंग, सिंथेटिक एसेट्स, इंश्योरेंस, ब्लॉकचेन गेमिंग जैसे प्लेटफॉर्म्स पॉसिबल बनाते हैं। लिक्विडिटी पूल्स हर प्लेटफॉर्म में डिफरेंट सेट ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से चलते हैं। उनके काम करने का तरीका प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म चेंज हो सकता है, लेकिन उनका कोर कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहेगा। इस वीडियो में हम लिक्विडिटी पूल्स की यूजेज लेंडिंग एंड बोरोइंग, ट्रेडिंग और यील्ड फार्मिंग में समझेंगे। सबसे पहले लेंडिंग एंड बोरोइंग की बात करते हैं। अगर आपको जानना है डीफाई में लेंडिंग एंड बोरोइंग प्लेटफॉर्म्स क्या है, तो आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। लेंडिंग एंड बोरोइंग प्लेटफॉर्म्स में ही सबसे पहले लिक्विडिटी पूल्स यूज होना शुरू हुए थे। इन प्लेटफॉर्म्स में सिंगल एसेट लिक्विडिटी पूल्स यूज होते हैं। लेंडर्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अपने फंड्स डालते हैं एंड बोरोअर्स उन्हीं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से फंड्स बोरो कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट जो बोरोअर्स से चार्ज होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली सारे लेंडर्स में शेयर कर देता है। आवी और कंपाउंड वेल नोन प्लेटफॉर्म्स हैं जो सिंगल एसेट लिक्विडिटी पूल्स को यूज करते हैं, और लोन हमेशा कोलैटरल के बिना नहीं मिलता, इसलिए इन लिक्विडिटी पूल्स में डिपॉजिटर को कभी लॉस हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की। डीफाई में ट्रेडिंग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के थ्रू होती है। अगर आपको जानना है डेक्सेस क्या है, तो आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। लिक्विडिटी पूल्स ऑटोमेटेड मार्केट मेकर्स में यूज होते हैं। बैंक करुण शुरुआती प्लेटफॉर्म्स में से है जिसमें लिक्विडिटी पूल्स यूज होना शुरू हुए, लेकिन ये तब पॉपुलर हुए जब यूनिस्वॉप ने इसको अडॉप्ट किया। यूजर्स अपने फंड्स इन लिक्विडिटी पूल्स में डिपॉजिट करके ट्रेडिंग फीस कलेक्ट कर सकते हैं। यूनिस्वॉप फॉर एग्जाम्पल, यूनिस्वॉप में पेयर्ड लिक्विडिटी पूल्स यूज होते हैं। मतलब अगर मैं ETH USDC पूल की बात करूं, तो मुझे दोनों एसेट सेम प्रपोर्शन में डिपॉजिट करने पड़ेंगे। अगर मुझे 10 ETH डिपॉजिट करने और उस टाइम एक ETH की वैल्यू 1000 USDC है, तो मुझे 10 ETH के साथ साथ 10,000 USDC भी डिपॉजिट करने पड़ेंगे। जो यूजर्स लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं उन्हें लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स LPs कहते हैं। यूनिस्वॉप पर लिक्विडिटी प्रोवाइड करने पर आपको लिक्विडिटी टोकन्स मिलते हैं जो आपकी पोजीशन उस पूल में रिप्रेजेंट करता है। सपोज आपने 10 ETH डिपॉजिट करे थे और उस पूल में 100 ETH है, तो आप 10% LP टोकन ओन करते हो।
जो भी ट्रेडिंग फीस यूनिसॉप चार्ज करेगा बायर्स एंड सेलर्स से, वो सारे LPs में प्रोपोर्शनली बढ़ जाएगी। आपके केस में आपको 10% मिलेगा। बैलेंसर एक और AMM है, लेकिन उसमें 8 एसेट्स का लिक्विडिटी पूल यूज होता है। मतलब आपको 8 एसेट्स सेम प्रोपोर्शन में डिपॉजिट करने पड़ेंगे। कर्व भी एक और AMM है। कर्व में लिक्विडिटी पूल्स सिमिलर एसेट की यूज होते हैं, जैसे स्टेबल कॉइन्स या सेम कॉइन के डिफरेंट वर्जन्स, जैसे USDC USDT पूल या WETH SETH पूल। लिक्विडिटी प्रोवाइड करने पर LPs इम्परमनेंट लॉस से एक्सपोज रहते हैं। इम्परमनेंट लॉस को डिटेल में हम अलग से डिस्कस करेंगे। इसी लॉस को कवर करने के लिए काफी प्रोटोकॉल्स LPs को ट्रेडिंग फीस के साथ साथ एक्स्ट्रा टोकन्स भी प्रोवाइड करते हैं। अपने रिटर्न्स और बढ़ाने के इस प्रोसेस को यील्ड फार्मिंग कहते हैं। काफी AMMs जैसे क्विक स्वॉप, सुशी स्वॉप, पैनकेक स्वॉप ट्रेडिंग फीस के साथ साथ अपने गवर्नेंस टोकन्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये एक्स्ट्रा टोकन्स लिक्विडिटी उस प्लेटफॉर्म पर अट्रैक्ट करने के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। हम लिक्विडिटी पूल्स और उसके यूज केसेस डिस्कस कर चुके, तो अब एक बार लिक्विडिटी पूल्स में प्रेजेंट रिस्क को भी जान लेते हैं। लिक्विडिटी पूल्स में सॉफ्टवेयर बग्स, सिस्टमैटिक रिस्क कॉमन है, लेकिन साथ ही साथ इम्परमनेंट लॉस और एडमिन की जैसे रिस्क भी प्रेजेंट है। ऐसे रिस्क हमारे ट्रेडिशनल बैंक्स में भी प्रेजेंट है। लिक्विडिटी पूल्स डीफाई के पीछे उन कई में से एक कोर टेक्नोलॉजी है। डीफाई में इसी पर डिसेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग, लेंडिंग एंड बोरोइंग, यील्ड फार्मिंग जैसे कई फंक्शंस चलते हैं। जैसे जैसे हमारा डीफाई सेक्टर बढ़ता रहेगा, वैसे ही हमारे लिक्विडिटी पूल्स भी एक्सपैंड होते रहेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लिक्विडिटी पूल्स क्या हैं और वो काम कैसे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।